हाँ भाई, क्या हाल है भैया? शॉपिंग जो है हम सब करते हैं, और साला साल बल्कि हर महीने हर हफ्ते भी कर रहे होते हैं। शॉपिंग एक इंडस्ट्री है, जिस तरह हर इंडस्ट्री में साइंस अप्लाई होती है, शॉपिंग में भी इतनी साइंस इन्वॉल्व है। और दुनिया की कंपनीज़ अरबों रुपए साल का खर्च करती हैं सिर्फ ये स्टडी करने में कि ह्यूमन बिहेवियर क्या है, कौन सा आदमी किस चीज़ पे हाथ रखेगा, कौन सी औरत कौन सा आइटम खरीदेगी। करोड़ों रुपए साल के लगा देते हैं इस स्टडी में, ठीक है, इसीलिए वो कामयाब भी हैं। H&M की मैं मिसाल देता हूँ, कपड़ों का ब्रांड है स्वीडन का, पिछले साल की उनकी सेल्स 25 अरब डॉलर थी ग्लोबली। पूरे पाकिस्तान की एक्सपोर्ट 22 अरब डॉलर थी, एक स्टोर पाकिस्तान से ज़्यादा कमाता है, और इस तरह के अनगिनत स्टोर हैं। क्यों? वो मेहनत करते हैं, ह्यूमन बिहेवियर पे स्टडी करते हैं, और उसी तरह उन चीज़ों को अप्लाई करते हैं। हमारे यहाँ क्या, दुकान खोल ली, अल्लाह देगा। अबे अल्लाह ही देगा, वो रशिया थोड़ी देगा भाई, लेकिन अल्लाह ने जो दिमाग दिया वो भी तो अप्लाई करो। टाइम पे दुकान हमसे खुलती नहीं है, कस्टमर सर्विस नाम की हमारे यहाँ चीज़ नहीं है, खवातीन गवाएं राबी सेंटर में दूसरे से तीसरा सूट निकलवा लें, दुकान वाले का मुंह बन जाता है, बाजी लेना है तो लो नहीं तो जाओ। ऐसा ही है दुनिया में, कहीं आपको ये सेंटेंस सुनने को नहीं मिलेगा, बाजी लेना है तो लो जाओ वरना जाओ। कस्टमर भगवान होता है भाई, सर पे बिठा के रखते हैं, हमारे बीवी बच्चों की रोजी रोटी होती है, ठीक है ना। ना खरीदो फिर भी दुकान वाले चाय बिस्किट खिलाते हैं, पेप्सी पिला देते हैं। बरदुबई में जो खवातीन शॉपिंग करती हैं गवाही देंगी, जो इंडियन रिटेलर्स हैं कपड़े जो वहाँ बेचते हैं, उनका इखलाक कितना अच्छा है, खूबसूरत तरीन इखलाक है। ना भी लो, उनके माथे पे शिकन नहीं आती, स्माइल करके वेलकम करते हैं, स्माइल करके छोड़ते हैं, खरीदो ना खरीदो। ये यार ये चीज़ें बड़ी मैटर करती हैं। यही वजह है हमारे बिजनेसेस पाकिस्तान में तो चलो चल ही जाते हैं, ज़ाहिर है अब खरीदना तो है ना कहीं से भी, अब रजाक भाई मुंह बना रहे तो क्या, लेना तो नहीं सही है, लेकिन हमारे ब्रांड्स बाहर नहीं जा पाते। कपड़ों के ब्रांड्स पहुंच गए अल्हम्दुलिल्लाह, मगर कोई इतना खास ग्लोबल इम्पैक्ट नहीं है हमारे यहाँ, क्यों, हमारे कस्टमर सर्विस का कॉन्सेप्ट ही नहीं है भाई। दुनिया क्या क्या रिसर्च करती है मैं आपको अभी समझाता हूँ। सुपरमार्केट्स की मैं एग्जांपल देता हूँ, दुनिया में कहीं भी सुपरमार्केट पे आप जाएंगे ना, उसकी एंट्रेंस का दरवाज़ा उसी साइड पे होगा जहाँ उस मुल्क की ट्रैफिक चलती है। फॉर एग्जांपल दुबई में ट्रैफिक सीधे हाथ पे चलता है ना, तो स्पिनीज का दरवाज़ा भी सीधे हाथ पे ही मिलेगा, क्योंकि लोगों की प्रैक्टिस हो जाती है उसी साइड पे चलने की, सीढ़ियाँ भी वहीं मिलेंगी, दुबई मॉल की एस्केलेटर भी सीधे हाथ पे मिलेगी। यहाँ की मिसाल देता हूँ, हम उल्टे हाथ पे गाड़ी चलाते हैं, डॉल्मिन की सीढ़ी उल्टे हाथ वाली एस्केलेटर ऊपर जाती है, और हाइपर स्टार जो कि बाहर का ब्रांड है उसने भी एंट्रेंस उल्टे हाथ पे रखी हुई है, क्योंकि वो स्टडी करते हैं कि यार यहाँ पे लोग इस साइड पे चलते हैं तो हमें एंट्रेंस भी यहाँ से रखनी है। अच्छा देखिए, दुनिया की हर सुपरमार्केट की कोशिश होती है, हर दुकान की कोशिश होती है कि कस्टमर जितना टाइम अंदर दुकान में गुजारेगा उतना ही हमारा फ़ायदा है। हम तो भगाने ही करते हैं ना, बाजी लेना तो लो नहीं तो जाओ, वो अंदर टाइम गुजरवाना है उनके। तो आप जैसे ही किसी भी सुपरमार्केट पे एंटर होंगे, सामने या तो आपको फूल नज़र आएंगे या कलरफुल फ्रूट्स वेजिटेबल्स नज़र आएंगे, फ्रेशनेस नज़र आएगी, ताकि एक साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट पड़े, आपको खुशी हो कि अच्छी जगह हूँ। कभी आपको फिनाइल नहीं नज़र आएगा दुकान में घुसते ही, हमारे किराने पे जाओ मुंह पे लाल मिर्च की बोरी रखी हुई होती है, बंदे का नाक ही सड़ जाए ना। मोटाज इतना बड़ा स्टोर है, एंट्रेंस पे ही दवाइयाँ बेच रहे हैं, घुसते ही पैरासीटामोल सर पे चढ़ जाती है, बंदा सर चकराया था, कहता है मैं जाने की करूँ, बस जल्दी से अपना सामान लूँ जाऊँ। ब्राउज नहीं करता बंदा, ब्राउज ही तो करवाना है, बंदा जितना देर स्टोर पे ठहरेगा उतना पैसा दे के जाएगा आपको, ये बात याद रखना। अच्छा ट्रॉली लेके आप चलते हैं स्टोर में, किसी भी हर स्टोर में जो है सुपरमार्केट में हमेशा टाइलें छोटी लगाई जाती हैं, ताकि जब आप ट्रॉली तेज तेज चलाएंगे ना तो गड़गड़ गड़गड़ गड़ होगी, तो आपको प्रॉब्लम होगी, तो आप आहिस्ता चलाओगे। जब आप आहिस्ता चलाओगे तो उतनी ज़्यादा शेल्फों पे नज़र पड़ेगी, जितनी शेल्फों पे नज़र पड़ेगी उतनी इंपल्स बाइंग करोगे आप, क्या यार ये भी उठा लेता हूँ, यार सर्फ भी चाहिए, ये भी चाहिए। अच्छा सुपरमार्केट के 5 बेसिक आइटम होते हैं जो हर बंदा खरीदता है, अंडे, डबल रोटी, गोश्त, दूध और पानी। ये 5 आइटम हमेशा फैला के रखते हैं, अंडे वहाँ बिक रहे तो डबल रोटी वहाँ बिक रही है, असूलन तो 7 होनी चाहिए ना, जिसने अंडा लेना डबल रोटी भी लेगा, नहीं अगर एक ही जगह रख दिया तो एक ही शेल से फारिग होकर चला जाएगा ना, बाकी स्टोर कैसे दिखाएंगे उसको। फैला के रखते हैं चीज़ें, ये वहाँ से वहाँ तक जाएगा, 10 शेल्फों से गुजरेगा कुछ तो उठा लेगा, ये होती है साइंस इस तरह। दूसरी तीसरी चीज़, आई लेवल इज बाइंग लेवल, तो जो बड़े लोग हैं, जो बड़ी उम्र के लोग हैं, उनके मतलब के आइटम उनके आई लेवल पे रखे जाते हैं। जैसे मेरे लिए शेविंग क्रीम मेरे हाइट पे होगी, बच्चे के लिए कैलॉग्स उसकी हाइट पे होगा, खिलौने उसकी हाइट पे होंगे, क्योंकि वो उसने ख़रीदना है, मैंने खिलौना नहीं उठाना। तो बच्चे के आइटम बच्चे के आई लेवल पे, मेरा आइटम मेरे आई लेवल पे। अच्छा एक और चीज़, जो मशहूर आइटम होता है वो हमेशा आइल के बीच में रखा जाता है, ताकि जो बंदा यहाँ से आ रहा है वो कम अज़ कम आधी आइल तो आए, दूसरा आइटम भी देखे, जो यहाँ से आ रहा है वो भी आधे आइटम देखे। अगर कोने में ही रख दे बंदा कोने से ही उठा के निकल जाएगा, तो बाकी आइटम कैसे देखेंगे। मकसद स्टोर घुमाना है पूरा, ठीक है। अच्छा फिर जब आप ये पेप्सी कोक के फ्रिज होते हैं,
कैन हमेशा सामने होते हैं आई लेवल पे, क्योंकि प्यास बंदे को लगती है तो वो सामने जो नज़र आता है वही ख़रीदता है। तो इनके फ्रिज ऐसे डिज़ाइन है जो ऊपर से नीचे कूलिंग करते हैं। अमूमन फ्रिज जो होते हैं, करेक्ट मी इफ़ आई एम रॉन्ग, अमूमन फ्रिज नीचे बॉटम टू टॉप कूलिंग करते हैं, लेकिन ये वाले फ्रिज उल्टे हैं। तो कैन सामने होता है, ठंडा कैन आप खोलते ही वहीं खड़क करके पीते हो। हमेशा 1.5 लीटर की बोतल नीचे होती है और हमेशा गर्म भी होती है कदरे कैन से। ऐसा ही है, क्योंकि 1.5 लीटर की बोतल आपने स्टोर में नहीं खोलनी, वो आपने घर जाके बर्फ़ के साथ खोलनी है। तो उसको ठंडा करने का मकसद नहीं, मकसद कैन को ठंडा करना है। इस पे भी साइंस लगाई उन्होंने। चेकआउट लाइन पे जब आप जाएंगे, छोटे छोटे आइटम, कैंडी हो गई, चॉकलेट हो गई, च्युइंगम हो गई, मैगजीन हो गया, रिसाला हो गया, ये सारी चीज़ें वहाँ रखी होती कि बंदा चल यार ये भी खरीद लेता हूँ, ये भी उठा लेता हूँ। फिर वो अपनी सस्ती वाली टॉफियाँ भी रखते हैं कि यार चार आने आठ आने देना पड़े, जैसे दुबई में चोइतरम वाले हमेशा गंदी वाली टॉफी पकड़ा देते हैं कि दिरम भी ना देना पड़े, वो भी बेच दें यार, ये भी ले जाए यार, टॉफ़ी ले लो ना, सिक्के ख़त्म हो रहे हैं, यू नो, इस तरह करके। अबे भाई ऐसे चीज़ें बेची जाती हैं दुनिया में, हमारे यहाँ कोई हिसाब किताब भी नहीं है, बस अल्लाह देगा ये देगा। भाई अल्लाह ही देगा यार, लेकिन थोड़ी साइंस तो लगाओ, साइंस लगाओ। अब ये इम्तियाज़ और चेज़ के दरवाजे ही उल्टी साइड पे हैं, ट्रैफिक जहाँ रुक रहा है उसके साथ होना ना चाहिए ना दरवाज़ा, दरवाज़ा उधर आ गया है। तो वो ये छोटी छोटी चीज़ें बड़ा फ़र्क पड़ता है। अमेरिका में जो है ना, दरवाजे उल्टी साइड पे थे, ट्रैफिक के अगेंस्ट थे। फिर उन्होंने जब दरवाजे चेंज किए ना वॉलमार्ट ने, तो उन्होंने नोटिस किया कि लोगों ने $2 एक्स्ट्रा शॉपिंग की। $2 मल्टीप्लाई बाय 52 बार, अगर वो आए हर हफ्ते अगर शॉपिंग की 52 बार वो आए तो $104 हो गए। $104 मल्टीप्लाई बाय 30 करोड़ की आवाम में, आप लगा लो कितना हिसाब हुआ। भाई बड़ा फ़र्क पड़ता है ये छोटी छोटी चीज़ों से, हम इन चीज़ों पर ध्यान ही नहीं देते। आइकिया की मिसाल देता हूँ, पूरी दुनिया में फर्नीचर बेच रहा है, बना के भी नहीं, बनाना भी खुद पड़ता है, डब्बे में दे देता है, घर जाके खुद ही जोड़ लो, हमसे जुड़वाना है और पैसे दो, ऐसी टेक्निक लगा रहे हैं। आइकिया का स्टोर ऐसा डिज़ाइन होता है कि उसका एक ही दरवाज़ा है और एक ही एग्ज़िट है, और आपको पूरे स्टोर से गुजरना पड़ता है, चाहे आपको एक बग्गा ही ख़रीदना हो, आपको पूरे स्टोर से ही गुजरना पड़ेगा, एक एक सेक्शन से, बाथरूम का सेक्शन क्या, ये सेक्शन क्या, वो सेक्शन, पूरे से गुजरना पड़ता है। कोशिश उनकी यही होती है कुछ और भी उठा लेगा। अच्छा, दूसरी चीज़, आइकिया में कसिनो वाला रूल अप्लाई होता है, वेगस में कसिनोज में ना घड़ी होती है ना खिड़कियाँ होती हैं, ताकि जो जुआ खेलने आया ना उसको पता ही ना चले मैं कितने दिनों से यहाँ पड़ा हूँ, बस वो खेलता जाए खेलता जाए खेलता जाए, पैसा देता जाए। वही चीज़ आइकिया में यूज़ होती है। आइकिया में ना आपको कभी घड़ी मिलेगी, घड़ियाँ बेच जरूर रहे हैं, सेल निकाल के बैठे हुए होते हैं, 10-10 पे किया हुआ होता है कांटा, सेल निकाल के बैठे हुए होते हैं, ना कोई खिड़की होती है। हम लोग जाते हैं 4-4 घंटे गुजर जाते हैं, पता ही नहीं चलता आई क्या का। ये टेक्निक्स हैं, दुकान में रखो लोगों को, जितनी देर वो दुकान पे बैठेगा उतना वो बाइंग करेगा। हमारे यहाँ तो भगा नहीं करते, बाजी आगे आगे होते जाओ, आगे आगे होते जाओ। अब यहाँ मोटास पे जगह ही नहीं है, आगाज़ देख लें, 2 ट्रॉलियाँ ही नहीं गुजर सकती। जब मुँह पे चाय की पत्ती आ रही होगी, घुटन हो रही होगी, तो बंदा बोलेगा यार बाढ़ में जाए मैं यहाँ से निकलूँ। उनको माहौल दो, उनको स्पेस दो, जितनी स्पेस मिलेगी, जितना सांस का मौका मिलेगा वो उतना ब्राउज करेगा, शायद और ख़रीद ले। हमारे इन चीज़ों पे ध्यान ही नहीं है, इसीलिए हमारे बिजनेस थ्राइव ही नहीं करते। दूसरा, कस्टमर सर्विस का, जैसे मैं आपको बता रहा था, जो मेरे भाई दुबई में रहते, देखो मैं 5 साल रहा हूँ, मैंने सिर्फ बाहर से खाना खाया, पकाना मुझे आता ही नहीं था। जो मेरे भाई रहते मिडल ईस्ट में, वो इस बात के गवाह हैं। वही मुर्गी जो पाकिस्तानी रेस्टोरेंट वाला ख़रीद रहा है, वो इंडियन भी ख़रीद रहा है, वही मिस्री भी ख़रीद रहा है, लबनानी भी वही ख़रीद रहा है। लबनानी के रेस्टोरेंट में आप खाना खाने जाएंगे ना, तो वही वही मुर्गी की तो प्राइस एक ही है ना, शारजा में, दुबई में एक ही प्राइस है। उससे आप मंदी मंगाएं, वो आपको पहले सूप ला के देगा, फिर वो आपको सलाद भी देगा, फिर आपको वो टमाटर की चटनी भी देगा मंदी के साथ, फिर उसके बाद हैंड सैनिटाइज़र भी देगा, फिर कावा भी देगा, इतनी चीज़ें देगा वही 20 दरहम में। अगर आप कढ़ाई खाने जाएं तो बस कढ़ाई और नान ही देगा, वो आपको प्याज तक नहीं देगा, थोड़ी सी उसके अलग पैसे काटेगा। अच्छा, किसी भी मल्लू रेस्टोरेंट में चले जाएं, हर टेबल पे आपको टिश्यू का डब्बा मिलेगा, पाकिस्तानी रेस्टोरेंट में नहीं मिलेगा। 4 टेबलों का एक टिश्यू होगा, बीच में आवाज़ें लगा रहे होंगे यार टिश्यू पकड़ाना, वहाँ हर टेबल पे होता है, चाहे छोटे से चाय का ढाबा ही क्यों ना हो, रेनबो की जैकेट पहनी होती है सबने, दुबई वाले मेरे दोस्त सारे ला रहे होंगे, हर टेबल पर आपको टिश्यू मिलेगा। साफ़ सुथरी सौंफ भी रखी होती है कि भाई खाना खा लिए, पाकिस्तानी रेस्टोरेंट में आपको हमेशा मिट्टी वाली सौंफ मिलेगी। हम लीचड़ हो जाते हैं, हमें आज ही करोड़ों रुपये कमाने, हम मेहनत नहीं करते, कस्टमर सर्विस ही नहीं देते। टिश्यू बड़ी छोटी चीज़ है, लेकिन यार ये चीज़ें बड़ी मैटर करती हैं, हम इन चीज़ों पे सोचते ही नहीं है। मैं वहाँ रहता था, मैं तो हर आए दिन कभी इसका खा रहा हूँ, कभी वहाँ से खा रहा हूँ, कभी वहाँ, मैं ये चीज़ें नोटिस करता था यार, वही मुर्गी इसको भी उतने की मिल रही है, इसको भी इतने की मिल रही है, वो मुझे इतनी चीज़ें दे रहा है 20 दरहम में, ये मुझे जो है सालन से हट के दूसरा रायता तक के पैसे मांग रहा है यार, दही के तक के पैसे मांग रहा है, मिलते ही नहीं है। कल यहाँ पे मैंने
₹500 का पुलाव मंगाया, बंदा आधा प्याज ही काट के दे देता है, कितना, ₹250 का प्याज थोड़ी आता यार, मगर मजाल है यार, देते ही नहीं, मतलब दही तो साथ चलता ही है ना, हल्का फुल्का थोड़ा सा थैली में डाल के दे दो, है ही नहीं भाई यहाँ, हर चीज़ बेचो बेचो बेचो, लालच बहुत है हम लोगों में, हमें आज ही करोड़पति बनना है। हम लोग वहाँ देखें दुबई में यही रिवाज है, वहाँ फ़ोन करके सामान मंगाया जाता है, दुकानों में कोई नहीं जाता। मैंने एक बार फ़ोन किया, मैं यार सर्फ चाहिए, बंदे ने बोला भाई 20 दरम से नीचे मैं ऑर्डर भेजता ही नहीं बंदे को, पाकिस्तान में, मतलब पाकिस्तानी भाई है मेरा, उसका स्टोर चलेगा, उसने भाई भरम से बोला भाई 20 दरम से नीचे का ऑर्डर मैं लेता ही नहीं हूँ, मेरा ठीक है खल्ली वल्ली, साथ में बांग्लादेशी था, उसको फ़ोन किया, वो 6 दरम का ले आया, और बार बार लाया, कभी सिगरेट मंगाई गलत सिगरेट लाया, फिर जाता है, फिर आया, फिर 50 का नोट दिया, खुला नहीं है, फिर गया, फिर आया, 3 चक्कर लगा लिए, क्योंकि वो उसको पता है मैं कमाने आया हूँ, मैं नखरे थोड़ी करने आया हूँ। उसका ये हुआ कि 2 साल बाद वही पाकिस्तानी स्टोर जो था, आधा उसने नाई को दे दिया किराए पे, उसका दुकान चलनी रही थी, वो बांग्लादेशी ने 1 से 3 स्टोर कर लिए थे मेरी नज़रों के सामने। लोग कमाने आए ना बाहर, हमारे नखरे ही नहीं ख़त्म होते। दुबई वाले मेरे भाई सारे गवाएँ, वहाँ से वहाँ पे गाड़ी से उतरने का कल्चर नहीं है, हॉर्न बजाते हैं, कोई ना कोई आता है, आप सामान मंगा ले तो गाड़ी में ही मिलता है आपको, गर्मी बहुत है ना, पार्किंग नहीं है, सड़क पे गाड़ी खड़ी है। मैं इसी तरह एक बार गया, पाकिस्तानी भाई को मैंने हॉर्न बजाया, वो भाई अंदर भरम से, खुद ही अंदर आओ, खल्ली वल्ली, मैं आगे चला गया, आगे जो है साउथ इंडियन था, उसकी दुकान से दुकान का मालिक भागा भागा आया, जी सर क्या चाहिए, डनिल चाहिए, गया अंदर लेकर आया, अरे ये वाला नहीं काला वाला, फिर दो गया, फिर आया, फिर नोट दिया 100 का, फिर गया, फिर 4 चक्कर लगाए, वो भी दुकान का मालिक था, वो भी मालिक था, उसने बोला भाई मैं यहाँ कमाने आया हूँ, मैं नखरे करने थोड़ी, एसी में बैठने थोड़ी आया हूँ, मेहनत करने आया हूँ, बीवी बच्चों से दूर हूँ, कस्टमर सर्विस देने आया हूँ ना, हमारे नखरे ही नहीं ख़त्म होते भाई, हम सेठ हैं, हम दुकान खोल के समझते हैं कि हमने एहसान किया इन पे कि मैंने दुकान खोली, वरना तू कहाँ से लेता सामान, तू डब रोटी कहाँ से खरीदता। अबे भाई उल्टा होता है, कस्टमर खुदा होता है पूरी दुनिया में, उसको सर्विस दो, उसकी आओ भगत करो, यहाँ तो भाई ना सलाम का रिवाज है, ना खुदा हाफिज़ का रिवाज है, प्लीज़ कम अगेन कुछ है ही नहीं, बाजी लेना है तो लो नहीं तो जाओ, ऐसे तो बात करते हैं जैसे पता नहीं, पैसे भी पूरे लेते हैं और ज़्यादा भी लेते हैं, अजीब कल्चर है भाई, साइंस अप्लाई करो। आखिरी मिसाल देता हूँ, ये H&M ने स्टडी की थी कि यार सामान बेचना है कैसे बेचें, उन्होंने देखा कि $20 की शर्ट है ना, उसको जब ख़रीदो ना, ख़रीदने के लिए हाथ लगाओ, तो उन्होंने MRI स्कैन मतलब वो डिटेक्ट किया लोगों का, तो उनका एक प्लेजर का सिग्नल आया कि यार मैं ये $20 की शर्ट पहनूंगा, मज़ा आएगा, मगर पेन का भी आया सिग्नल कि यार $20 जा रहे हैं। फिर उन्होंने वही चीज़ सेल करके कर दी, $30 लिख के काट के फिर 20 लिख दी, फिर जब ख़रीदने वाला आया सिर्फ प्लेजर आया कि यार देख मैं बचा रहा हूँ पैसे, उन्होंने फिर ये करना शुरू कर दिया। दुबई में पियर गार्डन का स्टोर है, हर वक्त सेल पे रहता है, 90% ऑफ लोग बोलते हैं कमाते कब हैं, ये साइकोलॉजी है भाई। पियर गार्डन ने हमारे PIA के यूनिफॉर्म डिज़ाइन किए थे 60s में, उस वक्त का डिज़ाइनर है, छोटा आदमी नहीं है, अकल है, अकल लगाते हैं दुनिया वाले, अकल लगाते हैं, तभी कहाँ से कहाँ, तभी उनकी जीन्स और टी शर्ट के स्टोर हमारे पूरे मुल्क की कपास, चावल, गेहूं, तेल, वट एवर उससे ज़्यादा H&M की टी शर्टें कमा लेती हैं, जो कि बनती भी यहाँ हैं, यहाँ बनती हैं, बांग्लादेश में बनती हैं, हम ही बना रहे हैं। अकल लगाओ भाई, कस्टमर सर्विस पे ध्यान दो, एक लड़का खड़ा कर लो ₹2000 महीना सिर्फ सलाम करे कस्टमर्स को दुकान पे, खुदाई कसम अपनी सेल में फ़र्क देखना ना, वो मेरे से पैसे ले लेना। खुदा हाफिज़।